हेलो फ्रेंड्स, गीतांजलि देसी किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के बुरादे की और बिस्किट की मिठाई, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। 50 ग्राम मैंने नारियल का बुरादा लिया है, 2 चम्मच कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर भी ले सकते हैं आप, 2 बिस्किट को, चॉकलेट वाले बिस्किट को मैंने ग्राइंड कर लिया था, आप भी इसको बारीक पीस लीजिएगा। चेरी ली है मैंने, थोड़ी सी चेरी और टॉफी, इसको मैंने कट कर लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालिएगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। 4 चम्मच मैंने बटर लिया है, ये चीनी को मैंने पीस लिया है, आप पूरा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क लिया है मैंने ऐड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बाउल लेंगे हम, बाउल के अंदर मैंने बिस्किट ऐड कर दिए, ये जो हमने चेरी और टॉफीज ले, ये थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐड कर दिया मैंने, 2 चम्मच हम ऐड करेंगे पीसी हुई शुगर। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा खाना मीठा पसंद ना हो तो आप 1 चम्मच यूज़ कीजिएगा। अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच शुगर, बटर, शुगर मैंने ऐड कर दी। तो फ्रेंड्स, अच्छे से, और इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसका स्मूथ सा हमें डो बनाना है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क, इसमें मिल्क ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका डो तैयार हो रहा है, इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने डो को तैयार कर लिया है। अब इसको हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसको एक प्लेट में, एक बाउल में निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स, बाउल लेंगे हम, नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। दो चम्मच शुगर पीसी हुई, इसको मिक्स करेंगे हम। दो चम्मच बटर, उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब बनाने स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ना जो मोमोज वाली पिन्नी होती है मैंने वो ली है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने ये बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे पिन्नी को। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसको फैलाते जाना है। इस तरीके से मैंने फिला लिया है जो हमने ब्रॉथ, फ्रेंड्स ये जो हमने बनाया है। अब इसको हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। देखिए फिर इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इस तरीके से इस तरीके से हम इसको रोल करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको हमें रोल करते जाना है। इस तरीके से हम इसको एक और रोल, देखिए फ्रेंड्स, इसका एक और रोल,
देखिए फिर मैंने इसको रोल कर दिया है। अब हम इसको इस तरीके से, देखिए फिर इसको हमें इस तरीके से रोल मैंने कर लिया। अब इसको हम 2 घंटे के फ्रीजर में रख देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा। फिर तो हम मिठाइयाँ काटेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में रखने हैं जिसमें आइसक्रीम जमाते हैं। देखिए फ्रेंड्स 2 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे मिठाई को अच्छे से इस तरीके से। देखिए फ्रेंड इसको मैंने निकाली, अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको काटेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे काट लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से काट लेंगे इसको। अब हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स चॉकलेट की मिठाई रेडी है, चॉकलेट और गोले के बुरादे की। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये। देखिए आप बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये, तो बना के ज़रूर खाइएगा फ्रेंड्स। अब बच्चों को खिलाइएगा, बहुत टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। ये मैंने बिना ओवन बिना गैस के बनाई है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं उनको भी खिला सकते हैं। बहुत टेस्टी है, आप बना के ज़रूर खाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये मैंने सिर्फ फ्रिज में रख के बनाई है, फ्रीजर में। देखिए कितनी टेस्टी लगी है, बना के ज़रूर खाइएगा। थैंक यू। रेसिपी अच्छी लगे तो गीतांजलि देसी किचन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बना के जरूर खाइएगा।